सिंध का गांव नौगांव अवैध खनन के लिए मशहूर है। यहां खनन माफिया फर्जी परमिशन के जरिए दिन दहाड़े खनन पर कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं, जबकि गांव वालों का कहना है कि शिकायत करने पर खनन माफियाओं के पास पुलिस का फोन आता है, जिससे खनन माफिया चौकन्ना हो जाते हैं और अफसरान के पहुंचने से पहले ही वहां से हट जाते हैं। नौगांव के गांव वालों ने बताया कि खनन माफियाओं के ओवरलोड वाहनों ने सड़क को गड्ढे में तब्दील कर दिया है, जिससे किसानों के गन्ने से भरी ट्रालियां पलटती रहती हैं। हालांकि एसडीएम राजेश चंद्र ने पिछले हफ्ते में कई ट्रैक्टर ट्रालियों को खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़कर कार्रवाई भी की थी, लेकिन पुलिस से सेटिंग के चलते खनन माफिया लगातार कार्रवाई से बच रहे हैं। नाराज गांव वालों ने थाना मीरगंज जाकर अपनी पीड़ा सुनाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं आप यहाँ पर? सर, मिट्टी के ला, मिट्टी भर के लाएंगे। मिट्टी है, रेता? रेत है। अच्छा, रेत है। तो इससे पहले सुनाया कि एसडीएम साहब ने कई ट्राली बंद भी करी हैं। हाँ साहब, बंद करी, हमारी गांव की बहुत बंद भरी पड़ी है, 20 दिन हो गए। अच्छा, तो इससे पहले किसी से शिकायत करी थी आपने? हाँ साहब, शिकायत सबसे कर रहे हैं, या कोई सुनवाई ना हेरी है? अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है ना। अच्छा, तो आप ये बताइए, अभी आप क्या मांगे आपसे, एसडीएम साहब से आपकी? हम तो साहब रास्ता के लिए गए, तो एकदम माँ बहन की गाड़ी दे लाओ, बोलो कौन है ये कि माँ छो दूँ, रोक के दिखाई। तो हम लोगों को ज्यादा मतलब कर रही महसूस भाई सब लोगों को, तो साहब आए। अच्छा, अगर आप, अगर एसडीएम साहब ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो आप कोई अगले भी जाएंगे क्या? हाँ साहब, हो जाएंगे ऊपर, जाएंगे ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पर जो खनन हो रहा है, कब, कितने समय से हो रहा है यहाँ पर? एक साल से। आप लोगों ने पहले किसी से शिकायत करी थी? नहीं, सबसे शिकायत फायदा क्या करता है, जब पैसा ले लाकर छोड़ दे। अच्छा, आज तो इन्होंने परमिशन दिखाई है, वो परमिशन किसके नाम से है आप बताओ? गलत परमिशन है वो? अच्छा, जो किसके किसके खेत में परमिशन, अभी मट्टी उठ रही है। अच्छा, यहाँ पर मट्टी है यार, ये रेता है, प्योर रेता है? हाँ, रेता है। ठीक 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 ठीक